सभी भाइयों को राम राम। नरवाल स्पोर्ट्स अकेडमी रोहतक की तरफ से संदेश, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, विशेषता कि वक्त कैसा भी हो उस वक्त के अकॉर्डिंग हम वैसा रंग जैसा हमारा वैसा ही रखें तो अच्छा है। जैसे दूध का रंग सफ़ेद होता है उससे दही बनती है, उसको दुख देते हैं, दूध को खदड़ते हैं तो जमाते हैं तो दही बनती है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, फिर भी वो किसी भी परिस्थिति में हो वो वैसा ही रहता है सफ़ेद। और जब ये मान लो दूध का रेट से महंगा दही का रेट होता है, दही से महंगा मक्खन का होता है और मक्खन से महंगा घी का होता है, रंग सफ़ेद ही रहता है। ऐसे ही आदमी को कैसा भी वक्त हो मेहनत करनी चाहिए और कितना भी दुख हो उस दुख को सहन करना चाहिए, आपकी कीमतें बढ़ती है और कीमत कम नहीं होगी, मेहनत करने वालों की कीमत हमेशा ही बढ़ेगी। मैं सभी खिलाड़ियों को यही कहना चाहूँगा, वक्त हमारा कितना भी ख़राब है हम मेहनत करते रहें और अपने आप को ताकतवर बनाएं। जैसे दूध से ताकतवर दही बताई गई है, दही से ताकतवर मक्खन बताया गया, मक्खन से ताकतवर घी बताया गया, इसी प्रकार हमने वक्त के अनुसार अपनी अपने आप को सख्त और मेहनती बनाना चाहिए और फायदेमंद हमारे लिए वही है, जब हम मेहनत करते रहेंगे तो हमारी कीमत बढ़ेगी और कीमत तभी बढ़ेगी जब हम दुख सहन करेंगे। बगैर पीड़ा का कोई भी खिलाड़ी नहीं बन सकता, खिलाड़ी बनने के लिए हमें पीड़ाएं सहन करनी पड़ती हैं, सामाजिक पीड़ाएं भी सहन करनी पड़ती हैं, शारीरिक पीड़ाएं भी सहन करनी पड़ती हैं, आर्थिक पीड़ाएं भी सहन करनी पड़ती हैं, सभी को सहन करके ही हमें स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद ही हमारा रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आएगा तो हम निखरेंगे, निखर करके साफ होता है। जैसे दूध को गर्म करते हैं तो दही बनती है, दही को हम मक्खन में तब्दील करते हैं, मक्खन को फिर गर्म किया जाता है, फिर घी में तब्दील करते हैं, इसी प्रकार हम खिलाड़ी को भी इसी तरह ताया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और ठंडा किया जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, उसकी छनाई होकर के वो अच्छा खिलाड़ी बन जाता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप बार बार जितना भी कष्ट सहन करेंगे उतने ही अच्छे खिलाड़ी बनोगे। खिलाड़ी बनने के लिए आपको कष्ट सहन करने पड़ेंगे, आराम से आप खिलाड़ी नहीं बन सकते, प्रमोट होना है तो अच्छा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा सब कुछ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।